हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करता है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम आप लोगों का आशीर्वाद से ठीक है फ्रेंड्स। और देख सकते हो कि कितना गर्मी लग रहा है, पानी गिर रहा है इधर, बट फिर भी गर्मी है फ्रेंड्स, पता है। और पंखा खाली 2 मिनट बन जाता है और ज़्यादा गर्मी होने लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन भी इधर धोला कर रखा गया है फ्रेंड्स, कुआं से पानी खींच लिए और सिर्फ हमको पीने का पानी लाना है फ्रेंड्स। और पीने का पानी अभी नहीं लाएंगे, बाद में लाएंगे फ्रेंड्स। और अभी का टाइम हो रहा है 2 बजे फ्रेंड्स, और पता है अभी तक हम कुछ भी नहीं खाए फ्रेंड्स, इतना जोर से भूख लग रहा है। हम सोचे थे कि खाना से काम चल जाएगा तो खाना हम रखे थे, लेकिन खाना ख़राब हो गया फ्रेंड्स। पता है ऊपर से हम कुछ बना के खा भी नहीं सकते क्योंकि मेरा गैस भी ख़त्म हो गया, तो गैस को भी भराने जाना है। और जब बारिश भी इतना कर रहा है ना फ्रेंड्स, कालों कालों में जाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए क्योंकि हम 2 दिन हो गए फ्रेंड्स नहीं नहा रहे बारिश की वजह से। और सर भी इतना गंदा है, तो हम सोचे कि चलो उधर भी नाश्ता भी कर लेंगे और सर भी धोकर नहा भी लेंगे। तो हम कपड़ा उधर ना डुबा दिए फ्रेंड्स, मतलब सरफ पानी में घोल कर रख दिए। तो यहाँ से तालाब दिखते हैं हम लोग को खिड़की से, जो है मतलब अभी बारिश से जो कर रहा है ना पानी, तो वाला पानी जम जा रहा है तो उसी से तालाब बन रहा है। बहुत कोई नहाता है लेकिन हम नहाया तो 2 बार ना फ्रेंड्स, हमको जन तो खुजली से हो गया था, मतलब खुजली फुंसी नहीं होता तो उस टाइप का हो गया था। तो उस वजह से हम नहाने छोड़ दें यहाँ पर, तो हम नहाने जा रहे दूसरा जगह। बस कपड़ा यहाँ पर धोने के लिए हम डुबा दिए पानी में, मतलब सरफ पानी में। तो आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट करो फ्रेंड्स, ढेर सारा प्यार दो फ्रेंड्स। और क्या करें फ्रेंड्स समझ नहीं आ रहा है, पता है इधर गैस भराएंगे ना 5 केजी का आपको 550 रुपये ले लेगा 5 केजी का गैस। और चावल भी लेना हमको, सरसों तेल लेना है, रिफाइंड तेल लेना है, क्या करें फ्रेंड्स कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना इतना पैसा भी खर्चा होने वाला और उतना पैसा है भी नहीं क्योंकि रोजी का ठीक से काम भी नहीं हो रहा है और घर में बहुत दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। क्या करूँ मैं, जो भी समझ में आ रहा है। हम काम खोजने जा रहे हैं कि हमको भी काम कोई दे दे घर काम, लेकिन घर काम हमको कोई देने नहीं सक रहा, देने नहीं खोज रहा फ्रेंड्स, क्योंकि ना मेरा पेट देख करके देने नहीं खोज रहा फ्रेंड्स कि कहीं गिर उड़ गए तो फिर दिक्कत पड़ जाए इस वजह से। और खेती वाला काम बो रहे जो धान उन ये वाला लगाने वाला धान उन, तो वहाँ पर भी काम नहीं दे रहा फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कादो कर रहे हैं। दिन भर हम बारिश वाला पानी में भींग कराएंगे तो फिर मेरे को तबीयत ख़राब हो सकता है इस वजह से। तो क्या करें, उनको समझ नहीं आता। अपने बने रहा मैं ब्लॉग में फ्रेंड्स, तालाब है मेरा घर का खिड़की से दिख रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स। और वहीं पर हम बाल्टी को रख कर आए कपड़ा डुबा करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पानी दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग बने रहो, चले जाके नहाने की ओर। जैसे हमको पानी लेने जाना होगा उस तरफ, बहुत दूर जाना होगा यहाँ से, और देख सकते कितना कादो है इधर। और अब यहाँ से जाना है नहाने के लिए, तो आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग पर। अपना खेती पार कर लिए पूरा कादो कादो हो करके, और अभी हम जा रहे दुकान, यहाँ पर दुकान एक है, तो यहाँ से हम सिंपल ले लेते हैं और कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, रोटी और रोटी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत जैसे भूख लग रहा है ना, भूख लगता है ना फ्रेंड्स, जानते जैसे लगता है ना मेरा शरीर कमज़ोर हो गया इस टाइप का लगता है फ्रेंड्स, जानते नहीं खाने से। तभी हम जा रहे हैं खा लेते ब्रेड। अरे यार दुकान बंद है, दिखा दुकान वो रहा, दुकान नहीं अलग बंद है, किस्मत ख़राब है फ्रेंड्स मेरे, पता है क्या करें। और एक दुकान आगे तरफ है, बहुत धूप थोड़ा सा और धूप है, वहाँ जा कर के देखते हैं वहाँ पे भी खुला है कि नहीं। बहुत मुश्किल है फ्रेंड। और उसके बाद मैं सास के यहाँ भी जाना है, मैं सास भी बुलाई है, किधर किधर जाए किधर करे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स। हमको नया घर भी देखने जाना है, रेंट वाला न्यू रेंट घर भी देखने जाना है सोच रहे, वहाँ पे भी जाने नहीं सक रहे। फिर सोच रहे हैं हम कि गैस भराने जाए, वहाँ पे भी जाने नहीं सक रहे फ्रेंड्स। अभी हमको नहाने जा रहे, नहा के कितना तक कितना देरी में आएंगे, उसके बाद फिर कपड़ा धोना है। क्या करो यार, इतना मुश्किल हो रहा है ना फ्रेंड्स, क्या बोले, इतना ख़राब ज़िंदगी है मेरा, इतना दुख तकलीफ वाला ना, एक मन ही नहीं खाता कि हमको रहे, बहुत दूर भाग जाने का मन करता फ्रेंड्स, इतना तकलीफ देख करके, बट कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स। फाइनली अभी हमको दुकान मिल गया बहुत दूर से आने का बाद, तब हम जाते हैं दुकान से सिंपल लेते और कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, इधर से फिर जाना है नहाने के लिए। और खाने के लिए ले लिए ब्रेड और रोल लिए हैं क्रीम रोल, तब इसी को खाएंगे और फिर पानी पिलाएंगे तो पेट थोड़ा भर जाएगा। और उसके बाद फिर मैं सास के घर जाएंगे तो देखते हैं वहाँ पर अगर खाना पीना मिल जाएगा तो खाने के लिए अच्छी ही बात है। हमको नहीं लगता कि मेरे सास बना के रखी होगी क्योंकि हम जब भी जाते नहीं मिलता फ्रेंड, मिलता भी है तो पूरा खट्टा भात, यहाँ पर भी देखते हैं कितना कादो है, ज़िंदगी ख़राब हो गई कादों का वजह से। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग बने रहो मेरे शॉर्ट वीडियो पे, तो हम इसको फटाफट खा लेते वरना नज़र लग जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स रोटी खाते खाते पहुँच गए तालाब नहाने के लिए,
तो अभी नहाते हैं उसके बाद फिर जाएंगे कहीं खाने, फिर से खाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि नहाने के बाद फिर भूख लगता है हमको, इसलिए। हेलो, पहले भात लेके जाते थे तो खाने के लिए फ्रेंड्स, तालाब तो अभी नहाते हैं फटाफट, उसके बाद फिर जाएंगे खाने। नहा चुके फाइनली और बहुत मज़ा आ गया फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा नहा करके, और इतना दिन से नहीं नहाए, मतलब इतना दिन क्या, दो दिन से नहीं नहाए थे, सर भी नहीं धोते तो अजीब से लग रहा था, अभी सर धो के नहाने तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता कुछ कर लेते और कुछ खा लेते, सुबह तो घर जाके फिर कपड़ा से धोना है, फिर कपड़ा धोना है, फिर पीने का पानी लाना है, क्या करें जिंदगी का मकसद। सिंगाड़ा खा रहे अपने, समोसा गरम गरम, गरम भी नहीं ठंडा हो गया। हमने नहा करके नाश्ता वास्ता करके आ गए, तालाब जो जमा हुआ पानी बरसात का, और वो रहा मेरा घर, जो खिड़की खुला ना वो मेरा घर है। अभी वो दीदी टू कपड़ा धो के गई यहाँ पे, तो एक ही टू पत्थर है ना, तो इसी वजह से हमको रुकना पड़ा फ्रेंड्स। और यहाँ पे कपड़ा है मेरा इसे धोने का, तो चलो फटाफट धोते हैं, और उसके बाद हमको पीने का पानी भी लाने जाना है, फिर गैस भी भराने जाना है, क्या कर फ्रेंड, हमको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या इधर कर। कपड़ा धो के ख़त्म हो चुका है, तब हम कपड़ा लेके जाते हैं और सुखा देंगे। और यहाँ पे पता है बहुत कोई नहाता है फ्रेंड्स, सिर्फ पानी से ना, गंदगी पानी फ्रेंड्स, हम नहीं नहाते क्योंकि हम दो दिन नहाए थे, बट हमको ना खुजली टवा हो गया, तो छोटे छोटे फुंसी काटने लगा। तो फैमिली, तो मेरे घर का काम खत्म हो गया, पीने का पानी भी लेकर था, कपड़ा भी धो के सुखा दिए फ्रेंड्स। तो अभी हम जा रहे हैं गैस से भराने, और दी का क्योंकि आज छुट्टी बहुत देरी से होगा, मंगलवार है ना, इस वजह से। तो चलो फ्रेंड जाते हैं, ये रहा मेरा सिलेंडर छोटा सा, उसमें भरेंगे गैस, तो अब बने रहा ब्लॉग में, तो चलो जाते हैं। दुकान में सिलेंडर दे दिए, बट आज सिलेंडर नहीं भरेगा, कल ये भराएगा सिलेंडर। तो हम जगह देख के आ गए हैं, और यहाँ पे देखते क्या मंगलवार कितना भीड़ है, कितना कितना भीड़ है भाई। अरे यार जगह खाली करो फैमिली, बैक एंड बैक माय यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मुझसे कर लोग बढ़िया होंगे, सोचते हैं मस्त होंगे, आराम से लोग ऐसे बात से ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी का टाइम और गुड आफ्टरनून का, और गुड आफ्टरनून है फ्रेंड्स आप लोगों को सभी को। और अभी पता है मेरे घर में गैस नहीं लाए हैं, कल गैस भराने दिए थे, तो वहाँ पर बोला कि अभी गैस नहीं है, कल आइएगा, कल गैस लेके जाइएगा बोला था। तो वहाँ पर गैस को हम जमा दे कर आए, तो फिर लेने जाना है, तो लेने जाएंगे। बोला बारिश इतना कर रहा है कि छूट भी नहीं कर रहा है, तो इससे चला रोहित जी का भी छुट्टी है आज, तो हम लोग नाश्ता में आज था मूढ़ी समोसा, मुड़ी समोसा खाना पड़ा फ्रेंड्स, क्या करें बताइए, मजबूरी से खाना पड़ा। तो गैस अभी तक आया नहीं, गैस रोहित जी लेने जाएंगे या फिर हम ही जाएंगे, सोच रहे। बारिश भी कर, कल भी भींग गए थाने समय में, घर मेरे साथ कर गए थे, मैं साथ से आते समय मैं रोटी वोटी सब लिए, तो फिर बहुत ज़्यादा भींग गए थे।